नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश बत्रा हूं और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी हूं। 28 जुलाई 2021 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस दिन की थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। लिवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये करीब 1.5 किलो का होता है। इसकी वजह से जब लिवर इंजरी होती है तो काफ़ी देर तक सिम्टम्स नहीं आते और कई बार इसकी वजह से काफ़ी देर हो जाती है। जब लिवर में इंजरी होती है तो सबसे पहले अक्यूट हेपेटाइटिस होता है, माने पीलिया डेवलप होता है, पेट में दर्द होता है। इसके बाद ये इंजरी अगर चलती रहती है तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बन जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस से लिवर डैमेज होता चला जाता है और फिर यह सिरोसिस का रूप ले लेती है। सिरोसिस में लिवर सिकुड़ जाता है, इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं और सिरोसिस जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लिवर फेलियर डेवलप होता है। लिवर फेलियर के अंदर पीलिया आ जाता है, पेट में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है और खून की उल्टी हो सकती है। सिरोसिस जब आगे बढ़ता है तो लिवर कैंसर आ जाता है। तो अगर हमें लिवर की बीमारी को बचाना है, लिवर की बीमारी को सिरोसिस की स्टेज तक पहुँचने ना देना है, तो फिर इसका इलाज अक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के स्टेज पर ही करना है। इसलिए लिवर डिजीज कैनॉट वेट। अगर आपको लिवर की बीमारी है तो इसका इलाज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराएं, क्योंकि अगर इसमें आप डिले करेंगे और आप सिरोसिस के स्टेज तक पहुंच गए तो फिर यह बीमारी लाइलाज हो सकती है। थैंक यू।